फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम देख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्सल फ्रैक्शन बनाने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन, आप x प्लस वन होल स्क्वायर के बनाएं तो उसको इस तरह से लिखेंगे a अपॉन x प्लस वन, और x प्लस वन स्क्वायर है तो लिखे b अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर, और अगर क्यूब होता तो फिर आपको लिखना पड़ता c अपॉन x प्लस वन होल क्यूब प्लस c अपॉन x प्लस टू। और यहाँ अगर x प्लस टू होल स्क्वायर होता तो एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करते d अपॉन x प्लस टू होल स्क्वायर, इस तरह से इज इक्वल टू, इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम दोस्तों यही होगा जो इसका डिनोमिनेटर है। तो इसका एलसीएम हुआ x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को आफ्टर टेकिंग इट्स एलसीएम, डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड कर दें, एक्स प्लस वन कैंसिल, आपके पास होगा ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस टू आएगा प्लस सी एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू कैंसिल। अब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बी इंटू अब हमें अननोन्स ए बी और सी की वैल्यूज पता लगानी है, तो उसके लिए हम रखें एक्स की जगह माइनस वन। ये माइनस वन का जो ज्ञान है, माइनस वन की जानकारी इससे पता लोगी होगी, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का एक जीरो है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखा, लेफ्ट साइड में रखे माइनस वन, तो लेफ्ट साइड होगी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू वन वन कैंसिल, राइट साइड ए इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू b इंटू माइनस वन प्लस टू सी इंटू माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर इम्प्लाइज माइनस वन होल स्क्वायर इज वन इज इक्वल टू a इंटू बीइंग दिस माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो इंटू a इज जीरो, सो द होल दिस टर्म विल बिकम जीरो। इसी तरह से ये भी माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो इंटू सी इज जीरो, तो हमारे पास आएगा टू माइनस वन वन इज इक्वल टू बी, तो ये वैल्यू आ गई बी की। अब दूसरा सब्सटीट्यूशन, दूसरी वैल्यू एक्स की जो रखनी है हमें, वो एक्स की वैल्यू रखनी है माइनस टू, तो एक्स की जगह माइनस टू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इम्प्लाइज माइनस टू आप रखिए इसमें माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस टू सी इंटू माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर इम्प्लाइज माइनस टू होल स्क्वायर इज फोर माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन ए इंटू माइनस टू प्लस टू अगेन जीरो
a into 0 plus b into 0 plus c into minus 2 plus 1 is minus 1 and minus 1 whole square is 1, c into 1. So this is 3 is equal to c. तो आपके पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है c इज इक्वल टू 3. अब एक कांस्टेंट और बचा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो है a. तो x की कोई ऐसी वैल्यू चूज करें जो अभी तक ना रखी हो. माइनस वन सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस टू सब्सटीट्यूट कर दी. चाहे तो आप x की जगह 0 रख दें, 1 रख दें, 3 रख दें, 2 रख दें, 4 रख दें. तो सबसे जो कंफर्टेबल वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 0, जिसे अभी तक यूज नहीं किया. तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड में रखें 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड देखें a इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, सो इट इज 2, a इंटू 2 प्लस 0 यहां सब्सटीट्यूट कर दें, b इंटू 2 प्लस c इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स c इंटू 1 इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस c. अब हमारे पास a की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए b और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो आ चुकी है. तो व्हाट इज b? b इज 1. 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ b 1, 2 इंटू 1, दिस इज नॉट पॉइंट, 2 इंटू 1, और यू में राइट इन दिस वे 2 इंटू 1 प्लस वैल्यू ऑफ c, c इज 3, तो c कैन बी रिप्लेस बाय 3 इज इक्वल टू 2a. देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये a, b और c की वैल्यूज हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है दोस्तों, यहाँ पर. तो a शुड बी रिप्लेस बाय माइनस 2, b बाय 1 एंड c बाय 3, और इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड. दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स विच इंप्लाइज एंड दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई. तो इसकी जगह लिखें आई माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस वी शैल यूज पावर रूल, पावर रूल का यूज करेंगे प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस इज 3 log x plus 2 plus a constant c. C should not be used because c has already been used. So let's introduce another constant k. K इसकी जगह रख देते हैं. और जो हमने फार्मूला यूज किया है वो ये है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी इज 1 बाय ए log ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो ये दोनों इंटीग्रल्स में हमने ये फार्मूला यूज किया. इसके लिए माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, चाहें तो आप इस माइनस टू को पावर में ले जाए तो ये इस तरीके का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू, और इसको साथ में लिख दें प्लस और पावर में ले जाए थ्री को भी, तो हो जाएगा लॉग x प्लस टू टू द पावर थ्री प्लस इसका इंटीग्रल x प्लस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन
और x का कोफिशियंट विच इज 1, नो नीड टू राइट देयरफॉर, इसलिए लिखे ना तो चलेगा, ये है। और इसे और सिंप्लीफाई करते हुए आप log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो x प्लस 2 होल क्यूब इंटू x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2, नीचे ले जाएंगे आप तो अपॉन में चला जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हमने अब तक एनसीईआरटी की क्लास 12th की मिसलेनियस एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट।